हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की न्यूज है, अरुणाचल में भयंकर बवाल के बीच हथियार लेके उतरी चाइना की आर्मी, निकली इंडियन आर्मी है। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मतलब ये बॉर्डर पे अपनी और आर्मी और हथियार लेके आ गए हैं क्या सामने? मुझे तो टाइटल से यही लग रहा है। चलो पहले देखते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगी भैया। चलो शुरू करें। ये अपनी कोई वो तो नहीं कर रहे ड्रिल व्रिल? तनाव चरम पर है। इस बार गलवान या तमांग नहीं बल्कि चीन ने मार खाने की जगह चुनी है अरुणाचल प्रदेश। दरअसल पीएम मोदी के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के बाद चीन की सेना की नींद उड़ गई और इसी बौखलाहट में चीन ने अपनी सेना को लद्दाख की सीमा पर उतार दिया, वो भी भयंकर तोप गोलों के साथ। जी हाँ, चीन की सेना ने लद्दाख से सटे शिनजियांग प्रांत के 5200 मीटर ऊंचे काराकोरम क्षेत्र में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में चीन की आर्मी ने लंबी दूरी तक की खतरनाक तोपों के साथ दूसरे बख्तरबंद वाहन को भी उतारा और भारत को एक इशारा दिया। अब अभ्यास तो कोई भी कर सकता है, लेकिन चीन को याद होगा कि उसके पीठ के पीछे से वार करने के बाद भारतीय सेना के जवानों ने किस तरह चीनी सेना को कूटा था, और ये वीडियो इस बात का पुख्ता सबूत है। अब इस वीडियो को तो आपने देख लिया, लेकिन बात अगर इस युद्धाभ्यास की करे, यानी चीनी सेना के इस अभ्यास की करे, तो चीन ने ये अभ्यास ऐसे समय में किया जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत चीन के बीच भयंकर बयानबाजी चल रही है। अब जरा जान लीजिए कि शिनजियांग क्षेत्र में जब चीनी सेना अभ्यास करेगी तो कौन कौन से हथियार लेकर पहुंची। दरअसल इस अभ्यास के दौरान ऊंचाई वाले मुश्किल भरे हालात में युद्ध की तैयारी के साथ ही दुश्मन को धोखा देने और बख्तरबंद वाहनों की मरम्मत की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही साथ संचार निगरानी, रडार से टोह लेना और किलेबंदी का निर्माण भी किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियोस में चीनी सेना के टैंकों को गुजरते तोपों की पोजिशनिंग और फिर फायरिंग करते हुए भी दिखाया गया है। हालांकि चीन के बने युद्धक हथियार उतने कारगर नहीं जितने भारत के हैं, क्योंकि चीनी सामान की तरह ही चीनी हथियार भी दुनिया में कई बार अपनी बेइज्जती करवा चुके हैं। नकली वीडियो तो नहीं बनाई? तो कबाड़ तक कह दिया था। अब जब चीन ने अपने हथियार उतार दिए हैं तो भारत भी पीछे नहीं रहने वाला, और दूसरी तरफ चीन बार बार अरुणाचल पर बयानबाजी कर रहा, यानी भारत का गुस्सा दो तरफ से है। और अगर चीन की सेना ने गलती की अरुणाचल में तो ये तय है कि भारतीय सेना इन चीनी गीदड़ों को इस बार मारेगी और फिर गाड़ देगी और फिर पाकिस्तानी सेना की तरह सरेंडर भी करवाएगी। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो अरुणाचल भारत का हिस्सा शुरू से था और आगे भी रहेगा। बस चीन को इससे आपत्ति है क्योंकि चीन को पता है कि अरुणाचल में अगर भारत विकास के कार्य करेगा तो भारत को उससे फायदा होगा, और हो भी यही रहा। इसीलिए चीन कभी अरुणाचल के नाम बदलने की कोशिश में लगा रहता है तो कभी अरुणाचल के खिलाड़ियों को अपने देश में खेलने की अनुमति तक नहीं देता। हालांकि कोई खेलने जा भी मत, इसकी जरूरत भी नहीं है। अरुणाचल में भारतीय किसी भी नेता के आने का चीन पूरा विरोध करता है, लेकिन भारत की ताकत के आगे चीन अब झुक गया है। और इस बार जिस तरह से चीन ने लद्दाख में अपना भोपू बजाया, हथियारों को लेकर अभ्यास किया, उसके बाद भारत क्या करेगा ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कुछ कहना है? चीन की इस हरकत के बाद भारतीय सेना को क्या कुछ करना चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक। चॉकिंग, एक तरफ तुम बातें करना चाहते हैं, फलाना ठमकाना, यूएन में जाके बोल देना, स्टेटमेंट्स ऐसी दे देना, और वैसे देखो पूरा अपना ड्रिल कर रहे हैं। वो मैसेज दे रहे हैं हमको, वो उनका ये एक मैसेज है करके हमें दिखाने की, हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। उनको लग रहा है ये पुराना भारत है। उनको ये नहीं पता कि तुम जितना शेर को तंग करोगे ना, वो शेर उतना ही तुम्हारे को खाने को। देखिए नंबर्स में अभी भी उनकी आर्मी ज्यादा है, तो हमारी आर्मी जो है बहुत खूंखार है, नेवी बहुत खूंखार है। जब ये अभी चक्कर हुआ था सोमालिया का, जहाँ पे हमने बड़े सारे पकड़े थे उनके, जिनको हम इंडिया लेके जा रहे हैं, तो उसमें वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी उसके बारे में आया था। उसमें ये लिखा था कि जिस तरीके से
वो जो एक महीने से उन्होंने हॉस्टेज रखे हुए थे, पूरा हाईजैक किया हुआ था शिप को, जिस तरीके से इंडिया ने उसको छुड़ाया है कि ऊपर से बॉम्बर्स भी थे इंडिया के, फाइटर जेट्स भी थे, हेलीकॉप्टर्स भी थे, मल्टीपल नेवी के शिप्स थे, जिस तरीके से ऑपरेशन किया है उसके लिए जितना कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, उससे पता लग रहा है कि मार्कोस आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये मार्कोस का भी नाम लिखा था कि मार्कोस के फुल फॉर्म लिखा था। मार्कोस जो है इंडिया बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था कैसे ब्रिटिश और यूएस ने परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने मार्कोस को भी वैसा बनाया एट पार विद देम। तो दे आर सेइंग कि जो इस ऑपरेशन से ये लोगों को पता लगा कि इंडिया हैज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल एट पार विद एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और ये मैसेज जो है चाइना को भी जा रहा है कि इंडियन नोशन में जिस तरह से ऑपरेशन करें तो समझ लो। तो इसीलिए चाइना को थोड़ी अब तकलीफ हो रही है, इसलिए नहीं कि इंडिया, मतलब वो ठीक है उसके नंबर ज़्यादा है, मगर उसे ये पता चल रहा है कि स्किल में इंडिया बहुत पावरफुल है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी आर्मी काफ़ी कम है, उसे काफ़ी कम नहीं है, मगर स्किल जो है इतनी ज़बरदस्त है कि उसे प्रॉब्लम आ रही है। और यस, उसके पास थोड़े वेपन्स और सोफिस्टिकेट हैं, मगर इंडिया भी जिस तरीके से R&D कर रहा है या बाहर से अभी के लिए टेम्परेली खरीद रहा है चीज़ें, उसको पता है कि एनफ डेंजर आएगा। अब इंटरनली कभी इंडिया बताता नहीं है कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत कुछ हो रहा होगा। एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान के वॉरहेड्स हमारे से ज़्यादा हैं, मगर अब लेटेस्ट नंबर देखते हैं तो उसे नज़र आता है कि हमारे उनसे ज़्यादा हैं। मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है जिसको हमें पता नहीं है, मगर बिकॉज मोदी जी आए हैं, जिनको पता है कि डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफेंस में बहुत काम हो रहा है, स्पेशली R&D हो रही है कि हर चीज़ आप खुद बनाइए। प्लस अगर हम ब्रह्मोस दे रहे हैं फिलीपींस वगैरह को, उसका मतलब पैसा भी आ रहा है, तो वो सारा पैसा जो R&D में जा रहा है। वेरी गुड, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा डिसीजन लिया इंडियंस ने BJP को जिता के, जो दो बारी मोदी जी आए हैं उससे देखो आज भारत इतना आगे होने का इतना फर्क पड़ा है कि बाकी देशों में इंडिया को देख के लोग हैरान हो रहे हैं कि कितना अच्छा ये लोग ऑपरेशंस करते हैं। और चाइना डरा पड़ा, टनल बनी थी अरुणाचल में, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू। हाँ, उनको तकलीफ, जब उनको दिखी है टनल तब उनको तकलीफ हुई है और ये सब चीजें हो रही है। ये अपने एरिया में जो मर्जी करते रहे उस टाइम इनको कुछ नहीं होता, यहाँ हम इंडिया में कुछ भी थोड़ा सा भी करें, सड़क बना लें, टनल बना लें, इनकी चीखें निकलते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि इनको है कि भैया यहाँ डेवलपमेंट हो गई तो हम कब्जा कैसे करेंगे। बहुत जबरदस्त बॉर्डर रोड्स बनेंगी, बहुत कुछ होगा, पूरा आपने एरिया घेरना है और उसमें जो है बहुत सारे लोगों को लेके आना है जिससे उनको क्लियर हो जाए किसी को भी कि डिस्प्यूट भी है तो इतने सारे लोग रहते हैं, तो सारे रिलीजन कैसे बोल सकते हो। तो आपको बताए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वादियां खाली पड़ी हो, सबको सब आगे जाके अपने लोगों को वहां पे कर दो, विलेजेस कर लो जिससे लगे कि भैया यहाँ तो लोग रहते हैं। ये सब होगा क्यों, क्योंकि अब नेक्स्ट टर्म में भी मोदी जी ही आ रहे हैं, BJP जीतेगी। हमारा एक अच्छा डिसीजन ने देश बचा लिया, नहीं तो आप सोच सकते हो कि अगर मोदी जी नहीं आए होते पिछले जो दो टर्म से, सोचो नहीं होते मोदी जी तो क्या आपको ये वाला इंडिया देखने को मिलता, जहां पूरी वर्ल्ड प्रेस कर रहा है, जहां चाइना डर रहा है, चाइना को भी घबराहट हो रही है इस तरह से ड्रिल्स करके, हम कुछ सोच रहा है कि हमें हमें थोड़ी वार्निंग दे देगा, पर कुछ नहीं हो रहा। तो वो सब शेयर करो, बताओ आपके, इसलिए कहते हैं डिसीजन अच्छे लो, नेक्स्ट इलेक्शन में भी मोदी जी को लेके आओ। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।